हेलो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो इतनी ज़्यादा खास होने वाली है कि आप सभी को आनंद ही आ जाएगा जी हाँ दोस्तों अभी तक आप लोग हिंदी काव्य में कुछ भी नहीं पढ़े हो जी हाँ दोस्तों सूरदास के पद चैप्टर से आप एक अक्षर भी नहीं पढ़े हो ना तो आज की वीडियो देख लेना बाईस फरवरी को आप इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे छाप करके आएंगे मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ ठीक है ना तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं भाई इतना ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक एक पद्यांश की पहले तो आपको व्याख्या बताऊंगा उसके बाद उससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे भाई पद्यांश आधारित प्रश्न भी सॉल्व कराने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से और ध्यान देना ये प्रश्न जो है पूरा नए सिलेबस पर आधारित है। हैं दो पर बेस्ड हैं बहुत ज्यादा खास प्रश्न है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को, को शुरू करते हैं बाईस फरवरी से पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न आप एग्जाम में फोड़ करके आओगे मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ तो चलिए देखते हैं चरण कमल बंदौ हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे अंधे को सब कछु दर्शाई सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई ठीक है देखो आप लोग कुछ नहीं जानते कि ये क्या लिखा हुआ है तो देखो मैं आपको सबसे पहले इसका अर्थ एक बार बता देता हूँ ठीक है पहली बात तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आप लोग शायद पढ़े ही होंगे प्लेलिस्ट में ठीक है ना तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा उसके बाद इसके नीचे के प्रश्न कराऊँगा ठीक है ना तो देखो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है ठीक है ना देखो कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए ठीक है ना हरि माने भगवान श्री कृष्ण के राई माने उसी यानी उसी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इनकी कृपा से यानी इन चरणों के आशीर्वाद से पंगु गिर लंग है पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है यानी पर्वतों को भी डाक जाता है ठीक है ना और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गुंगा व्यक्ति फुर फिर से बोलने लगता है और रंक यानी नीच व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है ठीक है ना और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु करुणा में मानी दयालु भगवान श्री कृष्ण स्वामी मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ ठीक है ना बार बार बंदा ती ही माने उनके पाई माने पैरों की ठीक है ना यानी उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ तो इस तरीके से आपका अर्थ हो गया अब देखिए अर्थ लिखना कैसे है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्ले बनी हुई है देखो अब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए कैसे लिखेंगे देखिए तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से अवतरित है ऐसे आपको लिखना है देखिए इस चैप्टर से कोई भी कोई भी पद्यांश आपके एग्जाम में दे दे बस आपको ये प्रश्न छाप देना है ऐसे ही आपको उत्तर लिख देना है हो गया कोई भी पद्यांश देगा और वहां पे कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में कि ये प्रश्न तो हंड्रेड परसेंट आएगा पहला प्रश्न आपका यही रहेगा कि संदर्भ लिखिए ठीक है थीके? उसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो तो देखो ऐसे ही पद्यांश में कहीं पर भी कोई दो तीन रेखांकित अंश दे देगा और उतने की ही व्याख्या आप लोगों को लिखना होगा ठीक है ना तो व्याख्या लिखना कैसे है देखो एक बार ऑलरेडी तो मैं बता चुका हूँ व्याख्या अभी भी आपको प्लस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि व्याख्या लिखना कैसे है लिखित व्याख्या मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को व्याख्या लिखना सीखना है तो देख सकते हो ठीक है ना इसलिए मैं पूरा व्याख्या लिखना नहीं बताऊँगा आज मैं इसके नीचे अतिरिक्त तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीज सॉल्व कराऊंगा तो देखो चरण कमल में कौन सा अलंकार है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो देखो चरण कमल में रूपा कलंकार है है ठीक ना क्योंकि कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहे हैं तो यहाँ पे रूपा कलंकार हो जाएगा अगला देखो प्रभु के चरणों का प्रभाव कैसा है तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि उसके आशीर्वाद से बहरा व्यक्ति ठीक है ना बड़ा नहीं बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है ठीक है तथा नीच व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है अगला देखो बार बार बंदव पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो देखो बार बार बंधव यानी बार बार वंदना करता हूँ एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ठीक है अनुप्रास मत लिखिएगा लिखना चाहते हो तो अनुप्रास लिख सकते हो तो पुनरुक्ति प्रकाश मत लिखना ठीक है ना दो में से एक लिखना करुणा शब्द का अर्थ तो करुणामय शब्द भी आप लोग पढ़े ही होंगे दयालु ठीक है ना ऐसे दयालु प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं, तो मतलब होता है दयालु यानी जो दया करते हैं अपने भक्तों के ऊपर ठीक है अगला पद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है अब देखिए इतना पढ़ने के बाद आप लोग चैप्टर बिल्कुल भी मत पढ़ना आप एग्जाम में फोड़ करके आओगे क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है ना देखो अभिगत गति कच्छु का हते न आई देखो अभिगत अभिगत माने जिसके पास अभिगत माने जिसके पास ना जाया जा सके ठीक है ना अभिगत यानी जिसके पास ना जाया जा सके वो कौन है जिसके पास नहीं जाया जा सकता वो है निर्गुण ब्रह्म कौन है निर्गुण ब्रह्म यानी ब्रह्म जी ठीक है ना तो क्या कहेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की अभिगत की जगह पर हम क्या लिखेंगे निर्गुण ब्रह्म की ठीक है ना निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की गति यानी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भाई देखो जिस प्रकार गुंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को केवल अपनी अंतर आत्मा में ही समझ सकता है क्यों क्योंकि अगर किसी गुंगा व्यक्ति को आप जलेबी खिला दो या कोई मीठा फल खिला दो तो क्या वो उसका स्वाद का वर्णन कर सकता है नहीं कर सकता क्योंकि भाई वो बोल नहीं सकता असमर्थ है तो भाई कितना भी मीठा फल हो वो वर्णन नहीं कर सकता वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का रस जो है केवल उसी को प्राप्त होगा जो उनकी भक्ति में एकदम एकदम मग्न है बाहरी व्यक्ति को उसकी भक्ति समझ में नहीं आएगी इसलिए निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को जिस प्रकार कोई गुंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को केवल अपनी आत्मा में ही समझ सकता है वैसे ही वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को कोई परम भक्त ही समझ सकता है ठीक है ना परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे वही कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो परम स्वाद है वो सबसे निराला होता है ठीक है ना सब ही सो निरंतर यानी सबसे निराला होता है और वही मन के अंदर अमित यानी अमृत के समान तोष उत्पन्न करता है यानी प्रेम उत्पन्न करता है ठीक है ना उपजावे मतलब उत्पन्न करता है और मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे है यहाँ पर कभी सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का प्रेम जो है वो मन और बाणी से यानी हमारे हृदय से और हमारी बाणी से अगम है यानी हम नहीं जा सकते और अगोचर यानी इंद्रियों से हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते अगोचर माने जो इंद्रियों से ना दिखाई दे ना छुआ जा सके ठीक है ना यानी जो इंद्रियों से परे है यानी कि हम उनको अपनी मन वाणी और अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान नहीं सकते हैं उनको जो जानता है केवल वही पा सकता है ठीक है ना और रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कि कभी सूरदास जी कहते हैं कि बिना किसी रूप के यानी निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है ना तो कोई उनका आकार है रेख मतलब आकार ना तो कोई गुण है ना तो कोई उनकी जाति है और बिना किसी उपाय के बिना बिनु माने बिना जुगति माने युक्ति यानी उपाय के यानी बिना किसी उपाय के हम निरालंब यानी बिना किसी सहारे के कित माने किधर की ओर धावे मतलब दौड़े उन्हें प्राप्त करने के लिए यानी बिना किसी सहारे के भाई हम किधर की ओर दौड़े उन्हें प्राप्त करने के लिए निर्गुण ब्रह्म को ठीक है ना सब विधि अगम विचार नहीं ताते गावे। कभी कहते हैं कि भाई सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब सब विधि यानी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम विचार लिया है ताते माने उनको यानी निर्गुण ब्रह्म को सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम विचार लिया है यानी उनके पास नहीं जाया जा सकता और इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ निर्गुण भक्ति के नहीं ठीक है ना इसलिए मैं सगुण ब्रह्म यानी सगुण भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ निर्गुण ब्रह्म की नहीं देखो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखने की बात आएगी तो सेम टू सेम लिख देंगे जो पिछले वाले में लिखे थे ऐसे ही लिखना है ओके अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं व्याख्या अभी अभी आपको पढ़ा दिया हूं तो कहीं पर भी आपको लाइन दे देगा तो आप लोग व्याख्या लिख लेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं देखो प्रस्तुत पद में किसको दुर्गम और निराकार बताया गया है तो देखो निर्गुण ब्रह्म को ठीक है ना निर्गुण ब्रह्म को दुर्गम और निराकार बताया गया है अगला देखो रूप गुण जाति जुगत पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो तो लिखेंगे ईश्वर का ना कोई रूप है ना आकृति है ना गुण है ना जाति है और ना वह किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उपरोक्त पंक्ति का यही आशय है बस इतना आपको लिखना है ठीक है देखो निलंब शब्द का अर्थ स्पष्ट करो तो अभी आपको बताया मतलब होता है बिना किसी सहारे के ठीक है ना यानी बिना किसी सहारे के हम किधर की ओर दौड़े तो निरालंब शब्द का अर्थ है बिना किसी सहारे के ओके किसकी गति का वर्णन नहीं किया जा सकता तो अभिगत गति का छुपका हाथ न आवे यानी निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता तो आप लोग बस निर्गुण ब्रह्म लिख देंगे अगला देखो किलकत कान घुटरवन यावत किलकत मारे मारे है। माने किलकते हुए किलकारी मारते हुए कन्हैया जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं माने घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं मरियो से युक्त कनक माने सोने की ठीक है ना सोने की मड़ियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी ही छवि को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं पकड़बे माने पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं ठीक है कबहू निरखा को कभी कहते हैं कि कभी भगवान श्री कृष्ण कभी कमहु माने कभी निरख माने देख करके माने भगवान श्री कृष्ण आप माने अपनी ही छा माने परछाई कौ कौ माने को करिश मतलब हाथों से पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छवि को देख करके अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं और किलक हंसत राजत द्वेदतियाँ पुनि पुनि तिनी अवगाहत और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे ही वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो भाई उनके आगे के जो दो दांत हैं दो है। माने आगे के दो दांत जो हैं बहुत सुशोभित होते हैं राजत हैं राजत माने सुशोभित होने लगते हैं और पुनि पुनि तिहे अवगाहत और वो बार बार उन्हीं दांतों को पकड़ते हैं औगाहत माने पकड़ते हैं ठीक है ना तिह माने उन्हीं दांतों को कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत ठीक है ना और यहाँ पे कभी कहते हैं कि सोने के आंगन में कनक भूमि मतलब सोने के आंगन में वो अपने हाथों और पैरों की छाया के द्वारा एक उपमा सुशोभित कर रहे हैं यह उपमा एक राजत यानी एक उपमा सुशोभित कर रहे हैं कैसे उपमा सुशोभित कर रहे हैं देखो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती यानी वो जैसे ही अपने हाथों पैरों को चलाते हैं ना तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सोने की भूमि में कमल की बैठकी सज गई हो ठीक है ना यानी कोई कमल खिल गया हो ठीक है ना करी करी प्रतिपद यानी अपने पैरों से जैसे ही वो चलते हैं जैसे वो अपने पैरों के द्वारा प्रति पैर यानी प्रत्येक पैर पर जैसे वो रखते हैं आंगन में सोने की भूमि पर जैसे अपना प्रत्येक पैर रखते हैं और अपने हाथों पैरों की छाया जब उनकी दिखती है तो उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे धरती में ठीक है ना वहाँ की धरती में कमल की बैठकी सज गई हो ठीक है ना और बाल दशा सुख निरख जसोदा बाल दशा यानी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की कला को देख करके निरख माने देख करके जसोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तर यानी आंचल के नीचे लय ढाकी माने ढक करके सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को वो दूध पिलाती हैं ठीक है ना इतना आपको लिखना है देखो प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार का नाम संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या ये तो दो कॉमन प्रश्न है ये तो आएंगे ही आएंगे ठीक है व्याख्या कैसे लिखेंगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कहीं भी आपको रेखांकित अंश देगा तो भाई मैं इतना बेहतरीन पढ़ाया हूं कि आप लिख लोगे कहीं भी रेखांकित अंश दे दे आप लोग व्याख्या लिख लोगे ठीक है ना अब इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनेंगे वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखो प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार का नाम बताओ ठीक है तो आप लोग लिख देंगे अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे एक दो शब्द रिपीट हुए हैं पुनी पुनी ठीक है ना कारी कारी ठीक है ना ऐसे रिपीट होते हैं यहाँ पर पुनी पुनी रिपीट हुआ तो आप लोग इससे जो है लिख देंगे अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है तो भगवान श्री कृष्ण की ठीक है अगला देखो नंद बाबा का आंगन कैसा है तो भाई नंद बाबा का आंगन सोंघने की मड़ियों से युक्त तो है ठीक है ना स्वच्छ और मड़ियों से युक्त है जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तब उनका स्वरूप कैसा होता है तो जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके सामने के दो दांत बहुत ही ज्यादा स्वभायमान होते हैं ठीक है अगला देखो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब को कौन पकड़ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं दूसरे तो की क्या बात करें ठीक है ना ओके भाई उम्मीद करता हूं बेहतरीन समझ में आ रहा होगा भाई लाइक शेयर कर देना इस समय एग्जाम टाइम के लिए ये वन शॉट आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है आप लोग चैप्टर पढ़े हो ना पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं आपका पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में आप फोड़ करके आओगे ठीक है देखो मैं अपनी सब गाय हो। संग हो। तेरे हूँ न रही हो। मैं अपनी सब गाय हो देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि हे मैया मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग में जाऊंगा आपके कहने से नहीं रुकूंगा ग्वाल बाल गायन के भीतर यानी सभी ग्वाल बालों और गायों के संग में तनिक भी डर नहीं लगता है न कहूँ माने तनिक भी डर नहीं लागत यानी डर नहीं लगता है आज न सोऊं नंद दुहाई ठीक है ना मैं आज नहीं सोऊंगा नंद बाबा की कसम नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की सौगंध मैं आज नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागता रहूंगा ठीक है और ग्वाल सब गाय चराएंगे मैं घर बैठे रही हूँ आखिर जितने भी ग्वाल हैं वो सब गाय चराने जाते हैं तो मैं घर में क्यों बैठा रहूँ क्वेश्चन कुछ, मार्क है कि भाई मैं घर में क्यों बैठा रहूँ अपनी माता से प्रश्न करते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहा हो अब प्रात जान में दी हो तब ये सौदा में कहती हैं कि हे श्याम आप सो जाइए अब सुबह होते ही मैं आपको जाने दूंगी मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी ठीक है ना देखो संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरू के दो शब्दों में बता दिया हूँ और कहीं पे भी रेखांकित अंश देगा तो लिख लोगे इतना सिंपल बताया हूँ भाई अब भी नहीं लिख पाओगे तो क्या करोगे देखो कौन अपनी गायों को चराने के लिए तैयार है तो भगवान श्री कृष्ण ठीक है प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में रचित है तो ब्रज भाषा में प्रात जान में दहियों पंक्ति का अर्थ लिखो ठीक है तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के जिद करने पर उनकी माता ने उनको सुबह गाय चराने जाने के लिए आज्ञा दिया है ठीक है उसके बाद देखो दुहाई शब्द का अर्थ लिखे तो दुहाई शब्द का अर्थ सौगंध होता है ठीक है ऐसा आपको लिखना है भगवान श्री कृष्ण को सोने के लिए कौन कहता है तो यशोदा माता जी कहती हैं और कौन कहेगा ठीक है ना इतना आपको लिखना है अब देखिएगा भैया अगला मैं हो मैया हो न सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई मैया हो ना चरई हो गाय देखो भाई थक गए भगवान श्री कृष्ण थक गए एक दिन चराने गए गाय और अगले दिन ही थक गए और आकर के माता से कहते हैं कि मैया हों माने मैं ना माने नहीं चरही हों माने चराऊंगा गाय मतलब गायों को कि हे माता यशोदा जी मैं अपनी गायों को बिल्कुल भी नहीं चराऊंगा देखो सिगरे ग्वाल यानी जितने भी ग्वाल बाल हैं घिरावत मोसो मुझको ही दौड़ाते हैं मेरे पाए मेरे पाओ दर्द करने लगते हैं ठीक है जौ न पत्या ही यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूँछ बलदाऊ ही बलदाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौह दिवाई मतलब अपनी कसम खिला करके ऐसे तो नहीं बताएंगे लेकिन आप उन्हें अपनी कसम खिलाईए और फिर पूछिए देखिए बताते हैं कि नहीं ठीक है ना यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देते भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके यशोदा मैया उनको गाली देती हैं किनको ग्वाल बालाओं को दिखावटी ठीक है ना रियल में गाली नहीं देती हैं दिखावटी ठीक है ना मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई कहती हैं कि मैं अपने लड़के को लड़का को लड़के को भेजती हूँ कि मन बहला लाए आवे मन बहराई मतलब मन बहला ले परंतु सूर शाम मेरोवती बालक मारत ताहि ठीक है ना ये अगली लाइन है मारत ताहिर इसमें नहीं है आप लोग लिख लेना सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई ठीक है ना तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा अत्यंत प्रिय बालक को ये जितने भी ग्वाल-बाल हैं दौड़ा दौड़ा करके मारे डाल रहे हैं ठीक है ना तो प्रस्तुत पद में किस स्थिति का वर्णन किया गया है तो प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता जी से गायों को चराने से मना करने की स्थिति का वर्णन है ठीक है अगला देखो भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने से क्यों मना कर रहे हैं श्री कृष्ण गायों को चराने से मना कर रहे हैं क्योंकि सभी ग्वाल केवल उन्हीं को दौड़ाते हैं जिससे वह थक जाते हैं ठीक है ना यशोदा मैया किसको गाली देती हैं? सभी ग्वाल बालों को ठीक है प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार बताइए तो अनुप्रास अलंकार है ओके घिरावत शब्द का अर्थ बताइए तो घिरावत शब्द का अर्थ दौड़ाना होता है ठीक है अगला देखो मुरली ली, ली जे चोरी। देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ब्रज की गोपियाँ जो हैं जलन मचा रखी हैं ईर्ष्या भाव मचा रखी हैं और एक दूसरे से योजना बनाती हैं कि हे सखी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए क्योंकि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है हम सब के प्रीति को हम सबके प्रेम को तोड़ करके प्रीति सबन यानी सब के प्रेम को तोड़ी मतलब तुडवा करके इसने उनको अपने बस में कर लिया है और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण छिन एक यानी एक क्षण भी घर भीतर यानी घर के अंदर और बाहर भी निशिबासर यानी रात और दिन में भी धरत न कबहू छोरी उसको कभी भी खोल करके यानी स्वयं के कमर से उसको अलग करके नहीं रखते हमेशा कमर में ही बांधे रहते हैं कबहू कर कभी उसको हाथों ले रहते हैं कभी उसको में लगाए रहते हैं तो कटी कटी माने माने कमर में कबहु माने कभी खोसत जोरी मतलब खोसे रहते हैं तो कभी उसको अपने कमर में खोसे रहते हैं कभी उसको हाथ में ले रहते हैं कभी उसको अपने होठों से लगाए रहते हैं भाई कभी छोड़ करके उसको अलग रखते ही नहीं ना जानो कछु मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी पता नहीं इस मुरली ने उनके ऊपर कौन सा मोहनी मंत्र फेंक दिया है ना जानो यानी ना जाने का माने कौन सा मेल मोहनी मेली माने फेंक दिया है मोहनी माने मन मोहने वाला मंत्र पता नहीं उस इस मुरली ने उनके ऊपर कौन सा मन मोहनी मंत्र फेंक दिया है जिससे यह उनके अंग अंग को प्रसन्न किए रखती है ठीक है ना राखे अंग भोर यानी जिससे ये उनके अंग अंग को प्रसन्न किए रखती है और वो इसे हमेशा अपने पास लिए रहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कौ मन सजनी और राग की डोर सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी भगवान श्री कृष्ण का मन जो है और राग की डोरी यानी प्रेम के रूपी धागे में बंध गया है भगवान श्री कृष्ण का मन जो है मुरली के प्रेम में बंध गया है ठीक है गोपियाँ बाँसुरी क्यों चुराना चाहती हैं तो गोपियाँ बाँसुरी को चुराना चाहती हैं क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है जिससे वह गोपियों से हंसी मजाक नहीं करते हैं ठीक है अगला देखो भाई छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबह छोरी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो तो पंक्ति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को किसी भी क्षण स्वयं से अलग नहीं करते हैं वह घर के अंदर और बाहर रात और दिन हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं ठीक है राखे अंग अंग भोरी पंक्ति में अलंकार कौन सा है पुनरुक्ति प्रकाश ठीक है अंग अंग शब्द रिपीट हो रहा है मुरली ने क्या किया है तो मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में करके गोपियों के प्रति उनके प्रेम को खत्म कर दिया है ठीक है प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में लिखा गया है तो ब्रज भाषा में देखिए मैं पांच पांच प्रश्न प्रत्येक पद्यांश से करा रहा हूँ लेकिन एग्जाम में केवल तीन ही आएंगे ठीक है ना टेंशन मत लेना केवल तीन ही आएंगे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझको ब्रज की यादें भूलती नहीं है बिसरत यानी भूलना ठीक है ना ना ही माने नहीं हे उद्धव मुझे ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं वृंदावन और गोकुल के वनों और उपवनों यानी बगीचों की घनी छाया सघन माने घनी कुंज माने बगीचों की छाही मतलब छाया ठीक है ना वृंदावन और गोकुल के ठीक है ना वृंदावन और गोकुल के वनों की जो घनी छाया है वो मुझे नहीं भूलती है हमेशा याद आती रहती है सुबह होते ही माता यशोदा मैया और नंद बाबा को देख करके मैं सुख प्राप्त करता था और वो मुझको माखन और रोटी दही से सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी ग्वापी ग्वाल बाल संग खेलत गोपियों और ग्वाल बालाओं के संग खेलते खेलते सभी दिन यानी मेरे सारे दिन हंसते हुए सिरात माने बीत जाते थे और सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी ब्रज के वो वासी धन्य हैं ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि जिन सब माने उनके हित माने हित की चिंता जदुतात जदुतात माने उनके स्वामी को है ठीक है ना यानी वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित की चिंता उनके स्वयं अर्थात भगवान श्री कृष्ण को है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके हित की चिंता भगवान को लगी रहती हो तो वो ब्रजवासी है ठीक है ना? प्रस्तुत पद में किसके किसके बीच वार्तालाप हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र उद्धव के बीच ठीक है भगवान श्री कृष्ण को क्या नहीं भूल रहा है तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों के साथ बिताए गए पल नहीं भूल रहे हैं ठीक है ठीके? जिन संहित जदुतात पंक्ति का आशय स्पष्ट करो तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक ब्रजवासी धन्य है क्योंकि उनके हित की चिंता उनके स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को स्वयं है ठीक है सिरात शब्द का अर्थ स्पष्ट करो तो सिरात शब्द का अर्थ बीत जाना होता है प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार बताइए तो पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास ठीक है अब चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर देखो यहाँ पे उद्धव गए हैं कहाँ पे गोपियों को योग की विद्या देने ठीक है जब उद्धव गोपियों को योग की विद्या दे रहे थे तो गोपियाँ उनको फटकारती हुई कहती हैं कि हे उद्धव मन दस बीस नहीं होते हैं यानी कि योग की विद्या ग्रहण करने में गोपियाँ स्वयं को असमर्थ बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव एक शरीर के अंदर मन दस बीस नहीं होते हैं केवल एक ही मन होता है एक होता सो यानी एक था सो गयो श्यामसंग वो श्याम के संग लग गया अब को औराध है ईश अब कौन है मतलब अवराधना करेगा कौन उपासना करेगा ईश माने निर्गुण ब्रह्म की ठीक है ना यानी एक ही मन था वो भगवान श्री कृष्ण के संग चला गया तो निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा इंद्री शिथिल भई केसविन के भगवान श्री कृष्ण के बिनु माने बिना भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार देही बिनु शीश ठीक है ना जिस प्रकार कोई शरीर बिना शीश के हो जाती है देही माने शरीर बिनु शीश यानी बिना शीश के हो जाती है वैसे ही हमारी स्थिति इस समय भगवान श्री कृष्ण के बिना हो गई है ठीक है ना आशा लाग राहती तन शासा ठीक है ना हमारे शरीरों में आशा लगी रहती है और इसी आ, आ, इसी सहारे हम जीवन ही कोटि बरीस और इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे ठीक है ना और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस कहते हैं कि हे उद्धव तुम तो मित्र हो भगवान श्री कृष्ण के और संपूर्ण योग की विद्याओं के स्वामी हो कि हे उद्धव सभी योग की विद्याओं के ईश हो स्वामी हो और सखा हो भगवान श्री कृष्ण के सूर हमारे नंदनंदन बिन और नहीं जगदीश हे उद्धव सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है ठीक है ना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है उनके बिना प्रस्तुत पद में किसके किसके बीच बातचीत का वर्णन है तो गोपियों और उद्धव के बीच ठीक है गोपियां निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थ हैं क्यों गोपियां निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थ हैं क्योंकि क्यों, उनके पास एक हिमन था जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया ठीक है ज्योदेही बिनुषि इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो तो इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार शरीर बिना सिर के होती है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बिना गोपियों की स्थिति खराब हो चुकी है ठीक है गोपियों की किसकी आशा लगी रहती है गोपियों को किसकी आशा लगी रहती है तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के आने की उम्मीद लगी रहती है ठीक है भगवान श्री कृष्ण के बिना गोपियों की स्थिति कैसी हो गई है तो भगवान श्री कृष्ण के बिना उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और उनकी स्थिति इस प्रकार हो गई है जैसे उनका शरीर बिना सिर के हो ठीक है ऐसे आपको लिखना है अगला देखो उद्धव जाहु तुम ही हम जाने यहाँ पे गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को क्या करती हैं फटकारती हुई कहती हैं कि हे उद्धव हे उद्धव तुम यहाँ से जाओ हम तुमको जानते हैं अच्छी तरह से हे उद्धव चलो यहाँ से भागो हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं श्याम ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजा यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा तुम हौ हाँ बीच भुलाने आप मार्ग भूल करके जबरदस्ती यहाँ पर आए हुए हो ठीक है ना ब्रज की नारियों के साथ आप योग की विद्या करते हो यानी कि आप योग की विद्या करने का ज्ञान देते हो ब्रज की नारियों को ठीक है ना ब्रज की नारियों के संगापय योग की बातें करते हो ऐसी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती शर्म नहीं आती बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे तुम बड़े लोग हो ठीक है ना लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना विवेक तुम्हारे मतलब यानी तुम्हारे पास विवेक माने बुद्धि ना माने नहीं है तुम्हारे माने तुम्हारे ऐसे भय अयाने और इसीलिए तुम अज्ञान हो गए हो ठीक है ना हमसव कही लई हम सही कह गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमसव कही आपने हमसे कहा लई माने लिया हमने सही के माने सह लिया आपने हमसे कहा हमने सह लिया जिए गुण ले सयाने यही गुण आप किसी सयाने व्यक्ति के साथ करना यानी बड़े व्यक्ति यानी समझदार व्यक्ति के साथ ऐसी ही बातें करना तो कहाँ तो आपको इनाम मिलेगा ठीक है ना कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने कहते हैं कि हे उद्धव कहाँ हम अबला नारियाँ कहाँ अबला कहाँ हम स्त्रियाँ और कहाँ ये दशा दिगंबर कहाँ योग की स्थिति दशा दिगंबर मैंने योग की स्थिति ठीक है ना कहाँ हम स्त्रियाँ और कहाँ कहा यह योग की स्थिति मस्ट करो पहचाने अपनी आंखें खोल करके अच्छे से स्थिति को पहचानो पहले ठीक है ना साँच कहा तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने ठीक है ना गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव सच सच बताना तुमको तुम्हारी कसम ठीक है ना तुमको अपनी सौ मतलब तुमको तुम्हारी कसम बूझत बात निदाने हम आपसे सच्ची बात पूछ रहे हैं ठीक है ना सूर श्याम जब तुम्हें पठायो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तब वो न कहूँ मुस्काने तब वो तनिक भी नहीं मुस्काए तब न कहूँ मुस्काने तब वो तनिक भी नहीं मुस्काए ये चीज वो पूछ रही हैं कि आखिर श्याम अगर इसी बात से वो पकड़ना चाहती हैं कि अगर उद्धव बता दिया कि हाँ भगवान श्री कृष्ण मुस्काए हैं तो गोपियों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ उद्धव सच में उनके द्वारा भेजा गया है और अगर उद्धव कह दे कि नहीं भगवान श्री कृष्ण मुस्काए नहीं है तो वो समझ जाएंगी कि ये उद्धव अपने मन से आया हुआ है ठीक है ना गोपियाँ उद्धव के बारे में क्या जानती हैं तो गोपियाँ जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को नहीं भेजा है वह अपनी इच्छा अनुसार गया हुआ है ठीक है ना गोपियाँ उद्धव का अपमान क्यों करती हैं गोपियों द्वारा उद्धव अपमानित किए जाते हैं क्योंकि वह गोपियों को योग की विद्या दे रहे थे कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर पंक्ति का आशय स्पष्ट करो तो लिखेंगे कि गोपियों गोपियाँ उद्धव द्वारा बताई जा रहे योग की विद्या का विरोध करते हुए कहती हैं कि कहाँ हम लोग स्त्रियाँ हैं और कहाँ योग की स्थिति अर्थात योग की स्थितियाँ हम स्त्रियों पर शोभा नहीं देती ठीक है प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में लिखा गया है तो ब्रज भाषा में प्रस्तुत पद्य में अलंकार बताइए तो अनुप्रास अलंकार ठीक है अगला देखिएगा अब यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं क्योंकि उद्धव जो हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का ज्ञान दे रहे थे तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कहते हो ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है कौन देश का निवासी मतलब किस देश का निवासी है मधुकर मधुकर किसको कहा गया है उद्धव को कहा गया है ठीक है ना मधुकर किसको कहा गया है उद्धव को हे उद्धव कही समुझाई सौहदेव यानी तुझको तेरी कसम अच्छे से समझा करके बता हम आपसे बूझती यानी पूछ रही हैं साँच यानी सच्ची बातें ना हाँसी मजाक नहीं कर रही हैं ठीक है ना ना हाँसी मतलब मजाक नहीं कर रही हैं कि हे है उद्धव हम आपसे सच्चाई पूछ रहे हैं कोई मजाक नहीं कर रहे हैं सच सच बात बताओ ठीक है ना को है जनक कौन है जननी यानी जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम उपासना करने की बात करते हो उसके पिता कौन है उनकी माता कौन है और उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है ठीक है ना कैसे वरण भेष है कैसो उनका वरण कैसा है यानी वो काले हैं या गोरे हैं वरण माने वर्ण ठीक है ना यानी शरीर का रंग कैसा है वो काले हैं या गोरे हैं भेष है कैसो उनकी वेशभूषा कैसी है और कि रस में अभिलाषी और वो किस रस में रुचि रखते हैं ठीक है ना यानी वो कैसे किस प्रकार के स्वभाव के हैं पावय गौ पुनि आपनौ हे उद्धव पाओगे तुम अपने किए का फल ठीक है ना पाओगे किया हो आपनो हे उद्धव तुम अपने किए का फल पाओगे जवर ए गो गांसी यदि तुम हमसे मजाक करोगे तो ठीक है ना सुनत मौन हो बावरो सूर सबय मति नासी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की बातों को सुन करके बावले हो गए उद्धव ठीक है ना और मौन हो गए ठीक है ना और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुन करके उद्धव की मति नासी हो गई यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ठीक है ना तो प्रस्तुत पद में कौन किससे प्रश्न करता है तो गोपियां उद्धव से ठीक है प्रस्तुत पद्यांश में मधुकर किसको कहा गया है तो उद्धव को कहा गया है गोपियों द्वारा प्रश्न करने पर उद्धव की स्थिति का वर्णन कीजिए तो गोपियों के प्रश्न को सुनकर उद्धव शांत हो, हो गए और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ठीक है पद्यांश के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कौन है तो निर्गुण ब्रह्म वहा है जिसके माता पिता का नाम और उसकी वेशभूषा के बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है ठीक है गांसी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तो गांसी शब्द का अर्थ होता है छल ठीक है ना छल ठीक है अब लास्ट देखिएगा इस चैप्टर का और अभी तक कई कंजूस लाइक नहीं किए होंगे भर कर दिया करो लाइक ठीक है ना एक घंटे पे आधा घंटे चिल्ला रहा हूँ आप सभी के सामने पूरा चैप्टर फिनिश करने के चक्कर में ठीक है तो देखो संदेशों देवकी सौ कहियो अब यहाँ पे यशोदा मैया उद्धव से देवकी के लिए संदेश भिजवा रहे हैं क्या कह रही है कि हे उद्धव जाना और मेरा ये संदेश देवकी मैया से कहना बताना उनको ठीक है ना कि आपके पुत्र की ठीक है ना आपके पुत्र का धाई धाई माने धात्री यानी पालन पोषण करने वाली माता तिहारे माने आपके सुत की माने पुत्र की कि हे उद्धव जा करके के उनसे बताना कि उनके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता मैं हूँ ठीक है ना और माया करत ही रहियो और इस वजह से वो मेरे पुत्र के ऊपर दया करती रहेंगी ठीक है ना माया माने दया करत ही रहियो यानी दया करती रहेंगी जदा हो तुम जानती उनकी हे उद्धव जा के उनको बताना कि वो भगवान श्री कृष्ण की टेव को यानी जिद को जानती हैं ठीक है ना और तव मो ही कहीं आवा फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ ठीक है ना जानती हैं उनकी टेव को जिद को लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ ठीक है ना प्रात होत यानी सुबह होते ही मेरे पुत्र को लड़ाईते माने प्यारे ठीक है ना मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती है ठीक है ना और तेल उबटन तेल उबटन एक प्रकार का पदार्थ होता है लेप होता है जो लगाया जाता है नहाने के बाद ठीक है ना तेल और उबटन तेल और उबटन और ठंडे पानी को देख करके ताही देख भज जाते यानी दूर भाग जाते हैं ठीक है ना और जो ही जो ही मांगत सोई सोई देती उनको बता देना कि उसके बाद वो जो जो चीज़ें मांगते हैं वही वही चीज़ें मैं उनको दे दे करके धीरे धीरे क्रम क्रम करी मैंने धीरे धीरे करके मैं उनको नहलाती थी और ऐसे ही वो नहलाएंगी ठीक है ना और सूर पथिक सुन ही रैन दिन बढ़े और राहत उर सोच और कहती हैं उद्धव कहते हैं कि देखिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया उद्धव से कहती हैं कि हे पथिक हे उद्धव सुनो मुझे रातों दिन रैन दिन माने मुझे रातों दिन ये सोच बढ़ती रहती है कि मेरा अलग लड़ाई तो मोहन की मेरा अत्यंत प्यारा भगवान श्री कृष्ण रह करके संकोच करते होंगे यानी अपनी समस्याओं को व्यक्त नहीं करते होंगे संकोच करते होंगे ठीक है ना खाने पीने में भी संकोच करते होंगे ये संदेश जाकर के यशोदा मैया से बता देना प्रस्तुत पद में किसके द्वारा संदेश भिजवाया जा रहा है तो प्रस्तुत पद में यशोदा मैया द्वारा देवकी के लिए संदेश भिजवाया जा रहा है ठीक है सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है तो मक्खन और रोटी भगवान श्री कृष्ण क्या देखकर भाग जाते हैं तेल उबटन और ठंडा जल ठीक है यहाँ पे धाई शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तो धाई शब्द का अर्थ पालन पोषण करने वाली माता है ठीक है यशोदा मैया द्वारा देवकी के लिए क्या संदेश भिजवाया गया तो यशोदा मैया अपने संदेश में कहती हैं कि मेरा प्यारा कृष्ण बहुत शर्मिला है और जिद्दी है ठीक है सुबह होते ही उसको मक्खन और रोटी अच्छी लगती है ठंडा पानी देखकर वह भाग जाता है इसलिए प्रेम पूर्वक धीरे धीरे उनको स्नान कराएं ठीक है तो यहाँ से भी ये चैप्टर फिनिश होता है उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा एग्जाम में आप फोड़ करके आओगे सिक्स अंक आपको पूरे मिलेंगे लिखित व्याख्या देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है जा करके व्याख्या लिखना भी सीख लीजिए मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत